सरकार पूरी तरह एक तरफा कार्रवाई कर रही है। नीतीश कुमार जी की सरकार यह चाहती थी कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो, इसी के लिए सारा षड्यंत्र रचने का काम किया। धार्मिक उन्माद फैलाने का एक षड्यंत्र था। सरकार की पूरी संलिप्तता है। महामहिम महोदय से हमने कहा है कि बिहार के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित खेल चल रहा है। बिहार के अंदर इनका घर नहीं बनने दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र कुमार। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक घटना सासाराम और नालंदा में हुई थी, जिसका मामला एक बार फिर से तुल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सासाराम पहुँचे थे और नालंदा भी पहुँचे थे। दोनों जगहों पर पहुँच करके एक दिवसीय धरना भी दिया था और उसके बाद से है उन्होंने एक बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राजभवन पहुंच करके राज्यपाल से मुलाकात की है और सीबीआई से मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक षड्यंत्र की गई है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले आप सुनिए। महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात में हम लोगों ने बिहार के नीतीश कुमार की सरकार की शिकायत की है कि सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटना घटी, उस घटनाक्रम में पूरी तरह सरकार निष्पक्ष नहीं है। सरकार पूरी तरह एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जिस तरह की स्थिति बनी है, आपने देखा कि स्वयं नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कई बार जब घटना 30 तारीख को हुआ और आदरणीय अमित शाह जी बिहार आने वाले थे, तो नीतीश कुमार जी ने 31 और 1 तारीख को ये कहना शुरू किया कि इस दंगा में कौन लोग शामिल हैं। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री ही इस तरह का बयान दे तो नीचे के पदाधिकारी तो मजबूर हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो सीधा जो भी लोग मिलते हैं वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमको सरकार का दबाव है और जिस तरह की स्थिति बनी है यह स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके समान विचारधारा के लोगों को फंसाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। याद कीजिए, 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक कोई प्रशासनिक व्यवस्था उस पूरे इलाके में, चाहे सासाराम हो या बिहार शरीफ हो, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं किया गया था, जबकि शांति की बैठक में या अन्य जो इंटेलिजेंस के माध्यम से जो रिपोर्ट थे उसके आधार पर पुलिस प्रोटेक्शन का काम नहीं किया बिहार की सरकार ने, इसलिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। आप लोगों ने क्या मांग किया गवर्नर से? हम लोगों ने आग्रह किया है महामहिम राज्यपाल जी से कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराएं, सीबीआई या एनआईए के माध्यम से जांच कराएं। बिहार सरकार पर हमको कोई भरोसा नहीं। को उस दिन कोई जनता को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, जो शोभा यात्रा निकला उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, जिसके चलते यह घटना घटी। और नीतीश कुमार जी की सरकार यह चाहती थी कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो, इसी के लिए सारा षड्यंत्र रचने का काम किया। हम लोगों ने आग्रह किया है महामहिम से कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी इंक्वायरी कराने का काम करें। नीतीश कुमार फिर यात्रा पे निकलने जा रहे हैं उड़ीसा और महाराष्ट्र यात्रा पे। अरे चाय नाश्ता करने दीजिए मुख्यमंत्री जी को, कहाँ तंग कर रहे हैं बूढ़े लोगों को। ये बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग आदमी को तंग नहीं किया जाता। मुंबई भी जाएंगे, एकदम जाके फिल्मिस्तान देखना भी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। कभी बिहार में तो बना ही नहीं 18 साल में, यहाँ तो कुछ बना नहीं। उड़ीसा जाएंगे तो एक आग्रह करेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मिलकर ये फॉर्मूला समझेंगे कि बिहार से 10 गुना ज़्यादा विकास उड़ीसा में हो रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता। नीतीश बाबू इतना नाटक करने वाले मुख्यमंत्री हैं, इनको पूरा दुनिया जान रहा है कि ये पलटासन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये पूरी तरह से सरकार प्रायोजित धार्मिक उन्माद फैलाने का एक षड्यंत्र था। सरकार की पूरी संलिप्तता है
और इनके हस्तिनापुर के गुलाम भ्रष्ट पदाधिकारी इसको अंजाम दिए हैं और आज सरकार के संरक्षण में अपनी खामी और कमी को छुपाने के लिए जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल और संघ के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, महामहिम महोदय से हमने कहा है कि बिहार के अंदर धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद, अपराध और भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित खेल चल रहा है, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसकी जांच नहीं होगी तो आगामी दूरगामी इसका असर पड़ेगा बिहार पर, और निश्चित तौर पर यह सरकार मोटिवेटेड होकर के एक समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसे तंग तबाह 500 लोगों को अज्ञात करके जो उसका PFI के बारे में बोलेगा, जो उसके आतंकवाद से जुड़े मामला पर बोलेगा, उसको आप अज्ञात के सूची में डालकर जेल के अंदर भेजिएगा। हमारे पूर्व विधायक जमाहर प्रसाद कुशवाहा जी का यही दोष था कि उन्होंने जो बम विस्फोट हुआ सासाराम के अंदर PFI और NIA से जांच की बात किए, आप उसको जेल भेज दिए। आज इस तरह के PFI का कनेक्शन जिन समुदाय के लोगों से है, जो लोग संलिप्त हैं, उसको बचाने का खेल बिहार सरकार खुल के तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कर रही है। हम मांग किए हैं कि आप हस्तक्षेप करें, इसका उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच हो, CBI से जांच हो, NIA से जांच हो, लेकिन बिहार के अंदर इनका गढ़ नहीं बनने दें, बिहार का माहौल खराब नहीं करें, इसकी हम लोगों ने मांग किया है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी घटना हुई है वो षड्यंत्र की तहत हुई है, और इस तरीके से विधायक, जो पूर्व विधायक हैं BJP के, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। उन्होंने CBI की जांच की मांग भी की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी हमारे अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।